मैं अपने नाम के साबुन से हाथ धोता हूँ, अपने नाम का परफ्यूम लगाता हूँ, अपने नाम की चद्दर पर सोता हूँ, अपने नाम पर ही जीता हूँ। जिसके नाम नाम की इतनी बात हो रही है उसका नाम है क्या? जी हाँ, कार्डन, पियरे कार्डन, मशहूर फ्रांसीसी फैशन डिजाइनर जिन्होंने पहली बार फैशन को बिजनेस से जोड़ा था, जिन्होंने पहली बार ये सोचा था कि साहब फैशन में भी तो बिजनेस हो सकता है। कार्डन नहीं रहे, 29 दिसंबर को उनका निधन हो गया, वे 98 साल के थे। कार्डन के सफरनामे पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले उनसे जुड़ा एक किस्सा आपसे साझा करते हैं ताकि आप भी उनकी शख्सियत समझ सकें। फ्रांसीसी डिजाइनर जो साड़ी का मुरीद था, इंडियन एक्सप्रेस में छपा एक किस्सा आपको बताते हैं। 1972 की बात है, वेनिस शहर में एक कार्यक्रम हुआ ईस्ट मीट्स वेस्ट नाम से। दुनिया के कोने कोने से तमाम कलाकार, डिजाइनर्स वगैरह जुटे। उस समय भारत में सिमी ग्रेवाल का बड़ा नाम हुआ करता था और देश दुनिया के फैशन में पियरे कार्डन का। लिहाजा कुछ फोटोग्राफर्स इन दोनों की साथ में तस्वीरें लेना चाहते थे। कार्डन और ग्रेवाल का आमना सामना हुआ। ग्रेवाल ने साड़ी पहन रखी थी। फ्रांस के डिजाइनर कार्डन के पहले शब्द थे, आप साड़ी में काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। कुछ बरस बीते, कार्डन भारत आए, फिर सिमी ग्रेवाल से सामना हुआ। इस बार सिमी किसी वेस्टर्न ड्रेस में थी। कार्डन फौरन बोले, साड़ी कहाँ है, मुझे सिर्फ डिजाइनर नहीं बने रहना। कार्डन की पैदाइश 7 जुलाई 1922 की रही, वेनिस इटली में। फैशन डिजाइनिंग में करियर शुरू किया, कुछ साल काम किया। इसी बीच एक रोज उनकी मुलाकात हुई अमेरिका के फैशन क्रिटिक और पत्रकार यूगेनिया शेफर्ड से। बातचीत हुई तो कार्डन बोले, मुझे सिर्फ एक डिजाइनर नहीं बने रहना है। 1950 में कार्डन ने अपनी पहली शॉप खोली। 7 से 8 साल का वक्त था कि कार्डन का पुरुषों के कपड़ों की रेंज में अच्छा खासा नाम हो चुका था। 1959 में उन्होंने महिलाओं के लिए पहला रेडी टू वियर कलेक्शन लॉन्च किया। यहाँ से उनका नाम तेजी से आगे बढ़ा। नासा के लिए कलेक्शन, कार्डन ने 1960 में एक जैकेट डिजाइन की, स्लीवलेस, छोटे कॉलर, हाई आर्म होल्स। जैकेट काफी पॉपुलर हुई। खास बात यह रही कि उस दौर में भारत में भी इस तरह की जैकेट का ट्रेंड चल निकला, क्योंकि कुछ इसी तरह की जैकेट जवाहरलाल नेहरू को पहने लोगों ने देखा था। नाम मिला नेहरू जैकेट। जैकेट अभी तक ट्रेंड में है। 1969 में कार्डन से संपर्क किया नासा ने स्पेस सूट का डिजाइन तैयार करने के लिए। ये बड़ी बात थी। कार्डन ने कहा, अब मैं कह सकता हूँ कि मैं उस जिंदगी के लिए भी कपड़े डिजाइन करता हूँ जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है। पियरे कार्डन के नाम पर कपड़ों की रेंज, परफ्यूम्स, रेडी टू वियर कपड़े, चश्मे तो बने ही, साथ ही साथ अगर आप पढ़ने लिखने के शौकीन हैं तो आपको ध्यान होगा पियरे कार्डन का पेन। मिडिल क्लास परिवारों के बीच पेन के दो ब्रांड स्टेटस सिंबल हुआ करते थे और शायद अब भी हैं, पार्कर और पियरे कार्डन। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अभिषेक ने, मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।